सो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर गैजेट। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बिग बाज़ार जो है वो बंद होने वाला है। बिग बाज़ार को हैंड ओवर कर लिया है रिलायंस ने। एक दो दिन पहले मैं गया था बिग बाज़ार, वहाँ पे देखा खाली शेल्फ्स पड़े हैं सारे ग्रोसरीज के। बिग बाज़ार बंद होने वाला है, लगता है पूरे शेल्फ्स जो है खाली हैं कोरोना के बाद से। खाली रैक्स। तो मैंने वहाँ पे पूछा कस्टमर केयर से कि ये बंद हो रहा है क्या। उन्होंने ये बोला कि रिलायंस को ये हैंड ओवर हो रहा है सारे बिग बाजार और सारे फ्यूचर के, जैसे होम टाउन और जो भी फ्यूचर्स के शॉप्स हैं या फिर बोला जाए शोरूम्स हैं, वो ट्रांसफ़र हो रहा है रिलायंस को। तो हैंड ओवर में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फ्यूचर का जो दोस्तों प्रॉफिट क्लब कार्ड था बिग बाज़ार का, जिसमें 10,000 देने पे आप 12,000 का सामान खरीद सकते थे एक साल के अंदर, उसमें अगर आपका बैलेंस कुछ बचा हो तो आप उसको यूज़ कर लें। क्योंकि अगर आप 31 तक के यूज़ नहीं करते हैं तो 31 दिसंबर तक, तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी और उस फॉर्मेलिटीज़ के बाद भी आपको 2,000 माइनस हो के आपको टोटल पैसे वापस होंगे। और अगर आप 31 को ही शॉपिंग कर लेते हैं तो आप पूरे अमाउंट जो आपके कार्ड में बचे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो टोटल 12,000 आपको मिला है वो सारा यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ के कस्टमर केयर से मैंने जो बात करी वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, और उसका ऑडियो क्लिप यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे सुन सकें। जो फ्यूचर का अभी जो कार्ड बना हुआ था बिग बाज़ार का, उसके अंदर 5-7 हज़ार जो बचा है उसका क्या होगा? उसको यूज़ कर सकते सर आप, कब तक वैलिडिटी? वैलिडिटी तो होगा यार, 5-7 महीना होगा। तो ये अभी बंद हो रहा है कि क्या हो रहा है? ये बंद नहीं हो रहा है सर। हाँ, ये लाइन का कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्ट में काम करेगा वो कार्ड? हाँ, कार्ड करेगा, काम होगा, काम करेगा। अच्छा, वो भैया उधर बोल रहा था 31 तक निकाल लेना, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, अच्छा 31 दिसंबर जो एक्स्ट्रा है वो नहीं मिल पाएगा। और देखो, आपके यहाँ तो सामान ही नहीं है, मान हम करा किराना खरीदे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वापस क्या करना होगा उसके लिए? तुरंत हो जाएगा अभी सर? इसके लिए आपको 30 से 45 दिन का वो रहेगा। क्या लाइन क्या भैया? कार्ड तो नहीं है अभी, मेरे को तो अभी पता चला ना, मेरे को पता ही नहीं था ये चीज़। हाँ, इसके लिए ना एक आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, कैंसिल हाँ। चेक देना पड़ेगा। अच्छा, 30 से 45 दिन का प्रीमियम वो रहेगा। तो उसमें फिर 31 दिन वाला वो मैं अगर मतलब आपको 1-2 दिन में कर दिया तो उसके बाद कोई इशू नहीं है ना? मतलब वो 45 दिन बाद आ जाएगा, ये तो नहीं बोलेंगे कि 31 दिसंबर निकल गया अब। ये आपका मेन अमाउंट है 5,945 रुपये, आपका मेन अमाउंट है आपका। अच्छा, आपका पैसा आपको। अच्छा, और वो 7,000 का सामान ले सकते हैं? ये 7,000 का सामान ले कुछ भी ले सकते हैं ना? कुछ भी ले सकते हो। अगर ये अगर रिफंड करोगे ना तो ये 2,000 रुपये रहता है ना फ्री ऑफ, वो नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग 3 लोग रहते हैं ना, तो मेरे सीनियर सर ने लिया हुआ था, उनके नाम से है, मैं उनसे बात करता हूँ। दिन का इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया तो पूरा डूब जाएगा क्या? नहीं नहीं, आपका मेन अमाउंट रहता है वो देता है कंपनी, रिटर्न करेगा उसको। मेन अमाउंट देगा और कहीं नहीं जाएगा। समझ गया मैं आप। हाँ। यानी 31 तक के 7 पूरा यूज कर लो। हाँ। उसके बाद मेन अमाउंट ही मिलेगा, है ना? चलिए ठीक ठीक, चलिए थैंक यू। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे डॉक्टर गैजेट, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।